समझो बूझो मेरा नाम है, ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किस नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। अपवर्त्य और समापवर्त्य। इस वीडियो में गुणज या अपवर्त्य की अवधारणा और परिभाषा, किसी संख्या के अपवर्त्य निकालना तथा दो से अधिक संख्याओं के समापवर्त्य निकालना। टीचर्स बच्चों को गुणज की परिभाषा सिखाने से पहले अर्थ समझाएं। आप तो जानते हैं कि गणितीय अवधारणाओं को यदि बच्चों के व्यवहार तथा उनके परिवेश से जोड़ दिया जाए तो वे बहुत आसानी से उन अवधारणाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पर रश्मि कर रही है, चलिए देखते हैं। छुट्टी के समय रश्मि जब स्कूल से घर जाती तो कच्चे रास्ते में लगे पत्थरों की टाइलों को गिनती करती चली जाती। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, इसी प्रकार से 40 तक। बच्चों तुम बता सकते हो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रश्मि के घर से स्कूल पहुंचने तक बीच में 40 टाइलें पड़ती हैं। अब बताओ रश्मि क्या कर रही थी? दीदी, रश्मि गिनती कूद कर टाइलों को गिन रही थी। बिल्कुल ठीक। रश्मि हर बार कूद कर दूसरी टाइल पर खड़ी हो जाती, इसलिए वो हर कूद को 2 से गुणा ही तो कर रही है ना? पहली कूद 2 × 1 यानी 2, दूसरी कूद 2 × 2 यानी 4, तीसरी कूद 2 × 3 यानी 6, और इसी तरह से 2-2 के अंतर में 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 करते करते वह 40 तक पहुंच जाती है। तो बच्चों, इन सभी संख्याओं को देखकर कुछ समझे? ये सारी संख्याएं तो 2 के पहाड़े में आती हैं ना? किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती हैं। गुणज यानी गुणा से जन्म लेने वाली या गुणा करके मिलने वाली संख्याएं। 2 के गुणा से जो भी नई संख्या हमें मिलेगी वो 2 की गुणज कहलाएगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। वो 2 × 100 हो, 2 × 999 हो, या 2 × 10,000 हो, या कितनी भी बड़ी संख्या हो, होगी वो 2 की ही गुणज, क्योंकि वो हमें 2 से गुणा करने के बाद मिली है। तो इसी तरह 3 के गुणज हुए 3, 6, 9, 12, 15, 18 इत्यादि। 9 के गुणज हुए 9, 18, 27, 36, 45 इत्यादि। 12 के गुणज हुए 12, 24, 36, 48, 60 इत्यादि। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि हमने पिछली कक्षा में पहाड़े क्यों याद किए थे? क्योंकि अब उनकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए मैं ब्लैकबोर्ड पर पहाड़ा चार्ट बनाकर इस बात को समझाती हूँ। यह रहा हमारा पहाड़ा चार्ट। इस पहाड़ा चार्ट में 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के गुणज कितने साफ साफ दिख रहे हैं, सीधे भी और आड़े भी। अच्छा, एक चीज दिख रही होगी इसमें, ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा कि हर संख्या के नीचे
या उसके सामने गिनती कूदने के पैटर्न में संख्याएं अंकित हैं। तो फिर गिनती कूदना क्या है? अरे भाई, दो की गिनती कूदना यानी दो के गुणज, तीन की गिनती कूदना यानी तीन के गुणज। जिस भी संख्या की गिनती कूदी उसके ही गुणज बनते चले गए, यानी किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज होती हैं। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य भी होता है। क्या होता है? अपवर्त्य। और गुणज या अपवर्त्य को इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल यानी गुणज। इससे एक और बात जो समझ में आती है वो ये है कि किसी संख्या का सबसे छोटा और पहला गुणज स्वयं वही संख्या होती है। जैसे दो का सबसे छोटा गुणज दो, तीन का सबसे छोटा गुणज तीन। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है। एक बात और ध्यान देने वाली है वो ये कि हर संख्या एक की गुणज है, क्योंकि एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं ना, भले ही वो 100 हो, 1000 हो या 10,000 या फिर कोई और बड़ी संख्या हो। ठीक है ना? अच्छा, ये तो हुआ सबसे छोटा गुणज। लेकिन किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज क्या हो सकता है? सोचो, दो का सबसे बड़ा गुणज क्या है? दीदी, दो का सबसे बड़ा गुणज होगा 900। अच्छा, लेकिन 990 भी तो दो का गुणज है, या 9,990। इसको चाहे भाग करके देख लो, ये संख्याएं तो तुम्हारी संख्या से भी बड़ी है ना। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ऐसी कोई संख्या सोच के बताओ जिससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। है कोई ऐसी संख्या? नहीं हो सकती ना बच्चों। संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, संख्याएं अनंत होती हैं। और गुणज क्या हैं? किसी भी संख्या के गुणा से पैदा होने वाली संख्याएं। संख्याएं अनंत तो उनके गुणज भी तो अनंत। आया समझ में? अच्छा, चलो अब हम गुणज या अपवर्त्य संख्याओं के बारे में कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। जल्दी से चार के गुणज बताओ तो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ये सभी चार के गुणज हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या 44 भी चार का गुणज है? और 56 और 73? बच्चों, ये जानने के लिए हमें चार से इन संख्याओं को विभाजित करके देखना पड़ेगा। अगर पूरी तरह भाग हो गया तो ये संख्याएं चार की गुणज या अपवर्त्य होंगी। यानी अगर चार से भाग करने पर शेषफल शून्य मिला तो ये संख्याएं चार की गुणज कहलाएंगी। चलिए भाग करके देखते हैं। यह देखो, 44 को 4 से भाग किया तो शेषफल 0 मिला, और 56 को 4 से भाग किया तो भी शेषफल 0 मिला, लेकिन 73 को 4 से भाग करने पर शेषफल 1 बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 44 और 56 4 के अपवर्त्य हैं, लेकिन 73 नहीं है। आज आपकी तरह रश्मि ने भी स्कूल में गुणज या अपवर्त्य के बारे में पढ़ा। स्कूल में रश्मि ने गिनती कूदकर टाइलों पर चलने वाले खेल के बारे में अपने मित्र विजय को बताया। तो घर लौटते समय विजय ने कहा, रश्मि तुम बस दो दो टाइल कूद सकती हो, मैं तो तीन तीन कूद सकता हूँ, देखो। बस फिर क्या था, रश्मि दो दो की गिनती कूदने लगी, 2, 4, 6, और विजय तीन तीन की गिनती कूदने लगा, 3, 6। अरे 6, हम तो एक ही टाइल पर आ गए।
रश्मि, आपसे जब भी हम एक टाइल पर आएंगे तो ताली बजाएंगे, ठीक है? दोनों बच्चों को अपना ये खेल बहुत मजेदार लगा। अब बच्चों, तुम बताओ, रश्मि और विजय किस नंबर की टाइल पर आकर फिर से ताली बजाएंगे? कैसे पता चलेगा? चलो पता करते हैं। तो दो के अपवर्त हुए और तीन के अपवर्त हुए। अब देखो, छठी टाइल पर तो वे दोनों एक साथ खड़े होकर ताली बजा ही चुके हैं। इसके बाद 12वीं, 18वीं, 24वीं, फिर 30वीं और फिर 36वें नंबर की टाइल में वो दोनों ताली बजाएंगे, है कि नहीं? तो बच्चों, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त्यों में जो संख्याएं समान होती हैं, उन्हें समान अपवर्त्य या समापवर्त्य कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। समझ में आया समापवर्त्य क्या होता है? लघुतम समापवर्त्य। इस वीडियो में लघुतम समापवर्त्य की अवधारणा और परिभाषा तथा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य निकालना। टीचर्स, इसी कक्षा में आगे चलकर बच्चों को असमान हर वाले भिन्नों की संक्रियाओं वाले प्रश्न भी हल करने हैं। आप तो जानते ही हैं कि वहां पर बच्चों को लघुतम समापवर्त्य निकालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए बच्चे इसे जितना लिख लिख कर हल करेंगे उन्हें उतनी ही जल्दी लघुतम समापवर्त्य निकालना आ जाएगा। तो चलिए पहले हम दो और तीन के अपवर्त्यों की एक तालिका बना लेते हैं। इस तालिका में 1 से 20 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं में से जो भी संख्या दो और तीन की अपवर्त्य है उस पर इस तरह सही का चिन्ह लगाते चलेंगे। तो अब इस तालिका में देखकर बताओ कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें दो और तीन दोनों के अपवर्त्यों पर सही का निशान लगा हुआ है। 6, 12 और 18, है ना? तो ये तीनों संख्याएं दो और तीन के समान अपवर्त्य या समापवर्त्य कहलाएंगी, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है ना? तो सबसे छोटे समापवर्त्य को लघुतम समापवर्त्य भी कहा जाता है। लघुतम मतलब सबसे छोटा और समापवर्त्य मतलब समान अपवर्त्य। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य हुआ लघुतम समापवर्त्य। बच्चों, लघुतम समापवर्त्य को शॉर्ट फॉर्म में ल स भी लिखा जाता है। इंग्लिश में इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में LCM लिखा जाता है। तो अब यदि आपसे 4, 5 और 20 का लघुतम समापवर्त्य पता करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 5 के अपवर्त्य 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 20 के अपवर्त्य 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। अब बताओ 4, 5 और 20 के समान अपवर्त्य क्या क्या हैं? 20 और 40 और लघुतम समापवर्त्य या ल स क्या हुआ? 20 हुआ ना? तो बच्चों, इससे एक और चीज पता चलती है कि किन्हीं दो या तीन संख्याओं का ल स उसमें से किसी भी संख्या से कम नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो हो गया लघुतम समापवर्त्य निकालने का पहला तरीका। ल स निकालने की एक और सरल विधि है जिसे विभाजन विधि या भाग विधि कहा जाता है।
इस विधि में दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में रखकर अभाज्य संख्याओं से भाग किया जाता है। इसलिए इस विधि को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य यानी जिन्हें भाग ना किया जा सके। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। देखो, ये सभी संख्याएं एक और स्वयं अपने अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं की जा सकती। करके देख लीजिए, चाहे नहीं हो सकती ना। तो ये तो हुई अभाज्य संख्याएं। हम इनके बारे में अगले वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। यहाँ बस यह जानते हैं कि इन संख्याओं से कैसे हम लघुतम समापवर्त्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यही संख्याएं जिनका हमने पहले तरीके से ल स निकाला था, यानी 4, 5 और 20 का ल स किसी और विधि से निकाल कर देखते हैं कि एक ही उत्तर आता है या नहीं। चलो करके देखें। तो हमारे पास संख्याएं हैं 4, 5 और 20। सबसे पहले हम इस तरह से लाइन के एक तरफ इन तीनों को एक के बाद एक कॉमा लगाकर लिख लेंगे। कॉमा इसलिए लगाया जाता है ताकि तीनों संख्याएं अलग अलग दिखें। विभाजन विधि में हमें ऐसी छोटी अभाज्य संख्या से भाग शुरू करना होता है जो दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्याओं को भाग कर सके। इसके बाद बड़ी अभाज्य संख्याओं की ओर बढ़ना होता है। इसका मतलब अब हमें कोई ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढनी है जो 4, 5 और 20 को भाग कर सके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो हम 2 से इन दी हुई संख्याओं को भाग करेंगे। वो संख्या जिससे हमें दाईं तरफ लिखी सारी संख्याओं को भाग करना है, उसे हम एक रेखा खींचकर बाईं तरफ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 2 को लिख लेंगे, फिर इस पहली लाइन के भाजक और भाज्यों के नीचे एक लंबी रेखा खींच लेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 को 2 से भाग किया, हमें 2 × 4 मिला 2। 2 को 4 के ठीक नीचे लिख दिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया। अगली संख्या है 5। 5 को तो 2 से भाग नहीं किया जा सकता, उसे हम वैसे का वैसे नीचे उतार कर 2 के बगल में लिख देंगे और फिर से कॉमा लगा देंगे। अब अगली संख्या है 20। 20 को 2 से भाग किया, 2 × 20 तो मिला 10, तो 20 के नीचे लिख दिया 10। अब हमारे पास फिर से 3 संख्याएं आ गईं, 2, 5 और 10। हमने इनके नीचे भी एक लंबी रेखा खींच दी। इन्हें भाग करने के लिए भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। तो 2 को 2 से भाग किया, 2 × 2 मिला 1, 2 के नीचे लिख दिया 1। फिर 5 को तो 2 से पूरा भाग नहीं कर सकते, तो उसे वैसे ही नीचे उतार दिया और कॉमा लगा दिया। उसके बाद 10 को 2 से भाग किया, 2 × 10 तो मिल गया 5। 5 को हमने 10 के नीचे लिख दिया। अब हमारे पास फिर 3 संख्याएं आ गईं, 1, 5 और 5। इनके नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। इन संख्याओं को जो अभाज्य संख्या पूरा भाग कर सकती है वो है 5। तो हम बाईं तरफ 5 लिखकर इन तीनों संख्याओं को बारी बारी से 5 से भाग करेंगे। सबसे पहले है 1।
एक को तो हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। फिर है पांच, पांच से पांच को भाग किया, पांच एकम पांच मिला एक। उसके बाद अगले पांच को पांच से भाग किया, पांच एकम पांच फिर मिला एक। यानी अंत में हमारी तीनों संख्याएं हो गई एक, एक और एक। बस जैसे ही हमारी सारी संख्याएं हो जाएं एक, तो उसका मतलब है कि हमारी भाग की विधि से ल स निकालने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब बस एक कदम बाकी है, हमें बाई ओर लिखे सभी भाजकों को गुणा करना है। तो यहाँ हो गया दो गुणा दो गुणा पाँच, कितना हुआ बीस हो गया। इसका अर्थ हुआ कि चार पाँच और बीस का लघुतम समापवर्त या ल स हुआ बीस। पहले भी हमारा उत्तर बीस ही आया था ना, समझ में आया आपको? इस प्रकार के कई उदाहरण वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका अभ्यास करने से यह सरल लगने लगता है। अपवर्तक। इस वीडियो में अपवर्तक की अवधारणा और परिभाषा और किसी संख्या के अपवर्तक निकालना। टीचर्स, यह वीडियो भी पिछले वीडियोस की ही अगली कड़ी है। इसमें हम अपवर्तक की अवधारणा और परिभाषा समझेंगे और किसी संख्या के अपवर्तक निकालने की विधि देखेंगे। अच्छा, देखते हैं रश्मि क्या कर रही है। रश्मि के पापा ने उसे 20 प्याज के पौधे दिए और कहा कि तुम इन पौधों को वर्गाकार क्यारी में लगा दो। रश्मि जब क्यारी में पहुंची तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस तरह पौधे लगाए। जैसे वो 20 पौधों को एक पंक्ति में सीधे भी लगा सकती है, 20 गुणा एक, या 20 पंक्तियों में एक एक पौधा भी लगा सकती है। इन 20 पौधों को दो पंक्तियों में भी लगाया जा सकता है, जिसमें हर पंक्ति में 10 पौधे होंगे, 10 गुणा 2, या फिर 10 पंक्तियों में जिसमें हर पंक्ति में 2 पौधे होंगे। तो बच्चों, रश्मि और किस किस तरह से पौधे लगा सकती है? रश्मि 4 पंक्तियों में भी तो पौधे लगा सकती है ना। हर पंक्ति में 5 पौधे होंगे, यानी 5 गुणा 4, या फिर 5 पंक्तियों में भी पौधे लगा सकती है, जिसमें हर पंक्ति में 4 पौधे होंगे, यानी 4 गुणा 5। ठीक है ना? अब देखो, जो ये संख्याएं हैं ना, ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सभी संख्याएं 20 को पूरी तरह विभाजित करती हैं ना। यानी 20 को इनसे भाग करने पर शेषफल नहीं बचता, इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 को पूरी पूरी तरह से 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसलिए 1, 2, 4, 5, 10 और 20 20 के गुणनखंड हुए। गुणनखंड यानी गुणज संख्या के खंड या हिस्से। गुणनखंड का एक और नाम है और वो है अपवर्तक। क्या है? अपवर्तक। अपवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड। अच्छा, चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये 18 कंचे हैं। बच्चों, आप इन 18 कंचों के समूह कितनी तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले एक एक कंचे के 18 समूह या भाग कह सकते हैं, यानी 1 गुणा 18। अब दो दो के समूह बनाकर देखते हैं। तो देखो, दो दो कंचों के 9 समूह बन गए ना, यानी 2 गुणा 9। अब तीन तीन के समूह बनाए,
तीन तीन कंचों के छह समूह बन गए, यानी 3 × 6। अब चार चार के समूह बनाते हैं। अरे यहाँ तो 2 बच गए, ये तो नहीं हो सकता। 5 × 5 के समूह बनाने पर भी 3 बच गए, यानी 18 4 और 5 से विभाजित नहीं होता, इसलिए हम उनके पूरे पूरे समूह नहीं बना सकते। तो चलिए अब 6 कंचों को एक साथ रख लेते हैं और इस तरह हमें 3 समूह मिलते हैं, यानी 6 × 3। हम 7 और 8 के भी पूरे पूरे समूह नहीं बना सकते, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से भी पूरा पूरा भाग नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब 9 कंचों के समूह बना लेते हैं। ये बन गए 9 कंचों के 2 समूह, यानी 9 × 2। 18 का भाग 18 से किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये हुआ 18 कंचों का 1 समूह। तो बच्चों, हमें इससे क्या समझ आया? यही ना कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का भाग 18 से पूरी पूरी तरह हो सकता है। इससे हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 18 के ही भाग यानी खंड हैं, जिन्हें हम गुणनखंड भी कहते हैं। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए, इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। समय गतिविधि आओ बने कैलेंडर। इस गतिविधि से बच्चे कैलेंडर को भली भांति समझ जाते हैं। 12 महीनों के नाम और किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये खेल खेल में उन्हें याद हो जाता है। टीचर्स, सबसे पहले आप 12 पन्ने लें और हर पन्ने पर एक एक महीने का नाम लिख लें। हर माह के नीचे उस माह में कितने दिन हैं, यह भी लिख दें। अब इन पन्नों को एक डिब्बे में रख दें। इस गतिविधि को खेलने के लिए 12 बच्चों को सामने बुलाएं। ये बच्चे डिब्बे में से कोई भी एक पन्ना उठा लें और उसके बाद महीनों के नामों के क्रम में इस तरह खड़े हो जाएंगे। अब सब बच्चे मिलकर यह कविता बोलेंगे। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सबके दिन 31, रहा फरवरी अकेला खड़ा, हैं फरवरी के दिन 28, अधी वर्ष में एक दिन बड़ा। इसके बाद कविता की पहली 2 पंक्तियां बोलिए। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ऐसा बोलने पर महीने में 30 दिन वाले बच्चे आगे आ जाएंगे और एक तरफ खड़े हो जाएंगे। फिर कविता की अगली लाइन बोलें। बाकी सबके दिन 31। अब माह में 31 दिन वाले बच्चे आगे आ जाएंगे और एक तरफ खड़े हो जाएंगे। इसके बाद बोलें, रहा फरवरी अकेला खड़ा, तो फरवरी अकेला खड़ा रह जाएगा। फरवरी के पेज के पीछे लिखा होना चाहिए अधिवर्ष 29 दिन। टीचर्स, इस खेल को कविता के साथ 2-3 बार करवाएं। उसके बाद बिना महीनों का नाम लिए सिर्फ बोलें, 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन, और जिन बच्चों के पास उतने दिन वाले महीने हैं वे आगे आ जाएंगे। ऐसा करवा लेने के बाद पूरी कक्षा से पूछें, जनवरी में कितने दिन या अगस्त में कितने दिन या नवंबर में कितने दिन होते हैं, या पूछें कि जून से पहले क्या आता है। इस प्रकार से बच्चों को खेल ही खेल में साल के 12 महीनों के बारे में अच्छी तरह से सब जानकारी हो जाएगी।
ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। Park Foundation.